साल 2016 में सेंट एंथनी हाई स्कूल के 1988 के बैच के चंद दोस्तों ने समाजी फलाह बहबूद के जज्बे के तहत एक्ट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का आगाज किया। इब्तदाई इकदाम के तहत इसी साल माह रमजान के दौरान अल्लाह चौक जौहर टाउन के मकाम पर हर रोज 100 से ज्यादा अफराद की अफतारी का एहतमाम किया गया। दोस्त अहबाब के तावुन और मदद से दस्तरखान का सिलसिला बगैर किसी नागे के पूरा साल जारी रहा। हर दिन अस्पतालों, मुसाफिर खानों, मजदूरी के अड्डों, रास्तों और बस स्टॉप जैसे मुख्तलिफ अवामी मकामात पर 100 से ज़ायद अफराद को दोपहर का खाना फराहम किया गया और ये काम आम तातीलात में भी जारी रखा गया। दिसंबर 2016 से एक दस्तरखान जिना फ्लाई ओवर के ज़ेर साया गुलबर्ग वाली तरफ अपने मुकर्ररा मकाम से रोजाना 100 से ज्यादा अफराद में दोपहर का खाना तकसीम कर रहा है। अपने कयाम से लेकर अब तक एक्ट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुख्तलिफ जरूरतमंद अफराद के इलाज मुआलजे, बच्चों की तालीम, तबाहाल घरों की मुरम्मत, बेटियों की शादी ब्याह, हस्पतालों में बिस्तरों की चादरों की फराहमी जैसे लातादाद फलाही इकदाम किए हैं। साल 2017 में भी माह रमजान के दौरान एक्ट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने जिना फ्लाई ओवर के ज़ेर साया रोजाना 170 से ज़ायद अफराद की अफतारी की मेज़बानी का कामयाबी से एहतमाम किया। माह रमजान के बाद से एक दस्तरखान अपने मुकर्ररा मकाम से रोजाना 100 से ज़ायद अफराद की मेज़बानी जारी रखे हुए हैं। आने वाले दिनों में एक दस्तरखान के अलावा भी मजीद कई और फलाही मंसूबे जल्द शुरू किए जा रहे हैं। हम अपने तमाम दोस्त अहबाब के शुक्रगुजार हैं जिनके तआवुन और सरपरस्ती के बायस ये सब कुछ मुमकिन हो पाया और आइंदा भी ऐसे ही तआवुन और सरपरस्ती के मुतमन्नी हैं।